शाहरुख खान के प्रशंसकों का कहना है कि उनका जवान डायलॉग जब मैं विलेन बनता हूं, सनी देओल के लिए एक महाकाव्य जवाब है। 90 के दशक में शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत कई नकारात्मक भूमिकाओं के साथ की थी, जिसने उन्हें उस अभिनेता में बदल दिया जो वह आज हैं। सिल्वर स्क्रीन पर बुरे लड़कों की भूमिका निभाने की उनकी क्षमता ने उनकी लोकप्रियता को एक प्रतिष्ठित स्तर तक पहुंचा दिया, जिसके प्रशंसक अभी भी उत्साहित हैं। जवान प्रीव्यू में शाहरुख खान कहते हैं, जब मैं विलेन बनता हूं ना तो मेरे सामने कोई भी हीरो ठीक नहीं पता, जबकि शाहरुख ने खलनायक की भूमिका निभाई। रेडिट पर एक उपयोगकर्ता ने लिखा, मुझे लगता है कि वे इसका भी संदर्भ दे रहे हैं। तथ्य ये है कि एक खलनायक की भूमिका निभाने से उन्होंने एक स्टार के रूप में शुरुआत की और कैसे उन्होंने उस भूमिका को फिर से परिभाषित किया। यह अब्बास मस्तान है ये किस्सा कि कैसे बाजीगमे दर्शकों ने उनका समर्थन किया, तब भी जब उन्होंने शिल्पा को उस इमारत से बाहर फेंक दिया था। और अब तेजी से आगे बढ़ते हुए वह कह रहे हैं, जब मैं विलेन बनता हूं तो मेरे सामने कोई भी हीरो नहीं टिक सकता। एक अन्य ने लिखा, जब वह कहते हैं वह बुरा है, वह पूरी तरह से अलग है। आखिरकार मैं उस नकारात्मक शाहरुख खान को देख रहा हूं जिसे सिनेमा पसंद करता था। निर्देशक यश चोपड़ा के साथ मिलकर उन्होंने डर में एक जुनूनी एकतरफा प्रेमी को जीवंत किया। फिर बाजीगर में वह अजय शर्मा में बदल गया, जो एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला क्रूर हत्यारा है, जो एक अमीर व्यापारी की बेटी से दोस्ती करता है और बदला लेने के लिए उसकी जान लेता है। इसके बाद अंजाम, डॉन और कई अन्य लोग आए। जवान सितंबर में रिलीज होने वाली है, जिसमें शाहरुख इस परियोजना का नेतृत्व करेंगे और जाने माने तमिल निर्देशक एटली इसका निर्देशन करेंगे। जवान में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण और सानिया मल्होत्रा भी हैं।